जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें है वी विल बी डिस्कसिंग टाटा मेट्रो के जो सेगमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोलिक एक्सल पे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये इतना बड़ा ये गटर ब्रिज है, ठीक है, और ये साथ में पुलर लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे चार एक्सल लगा रखे हैं, 1, 2, 3, 4। इसके ऊपर जो लगा है इसको बोल्स्टर बोलते हैं। बोल्स्टर मतलब ये साथ में ये भी घूमता है। आप देखोगे इसके बीच में ये देखो एक ट्रॉली के जैसा काम करता है। देखो इसके बीच में कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं मिलेगा इसके बीच में। और चार एक्सल यहाँ पे लगा हुआ है और साथ में आगे पुलर लगा हुआ है। और इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ 21 मीटर्स है, मतलब ये 70 फीट लंबा है। इसके नीचे कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये एक्सटेंशन का काम ये गटर ब्रिज खुद कर देता है। ये देख लो कितना लंबा है ये। और ये चार ट्राइटेक के एक्सल लगे हुए हैं यहाँ पे। बीच में कुछ भी नहीं है, आप देखोगे तो बीच में सिर्फ ये जो वायर है इससे हवा पास होती है ताकि ब्रेक्स लग सकें। इसके जो एयर ब्रेक्स हैं उसके अंदर बूस्टर के अंदर हवा जा सके। ये पाइप पूरे के पूरे वहाँ से, ये पाइप जो है पूरे के पूरे वहाँ से आ रखे हैं। और ये देखो एक नीचे है ना सलिए लगा रखे हैं, सलिए की मदद से इसमें सपोर्ट दे रखा है ताकि यहाँ पर ब्रेक लगा सकें। इस पर देखोगे ब्रेक लगा सकें। और ये जो काम आता है इसके मदद से इसका स्टेयरिंग होता है, विद नहीं होता है इसका, और हाइट भी जो है ज़्यादा नहीं होता है इसका। हाइट भी जो होता है वो 10 फीट ही हाइट होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और पीछे भी इसके टोबर दिया हुआ है ताकि इसको क्या ये यूटर्न नहीं मार सकता है। तो कूलर जो होता है वो तो आगे लग सकता है या फिर पीछे लग सकता है, तो उस हिसाब से बैलेंस करने के लिए पीछे भी टोबर दिया हुआ है। चार एक्सल यहाँ है, चार एक्सल यहाँ लगे हुए हैं कूलर आगे लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है और एक पीछे भी दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे भी चार एक्सल है, 1, 2, 3, 4। और इसके ऊपर भी जो लगा है इसको भी बोल्स्टर बोलते हैं ताकि ये जो डबल स्टेयरिंग हो जाए। एक तो कूलर से घूमेगा, ये जो आगे जो कूलर लगा हुआ है कूलर से भी स्टेयरिंग कर सकते हैं, इसके नीचे से भी स्टेयरिंग हो सकता है, और ऊपर का भी जो है ना ये स्विवेल हो सकता है, घूम सकता है ये। तो और हर एक्सेल में 8 टायर होते हैं। मैं थोड़ा नीचे से दिखा देता हूँ कि 2 यहाँ पे हैं 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल एक एक्सेल में 8 टायर होते हैं। 32 टायर इसमें लगे हैं, 32 टायर उसमें, तो टोटल 64 टायर सिर्फ एक्सेल में हैं और 10 टायर घोड़े में लगे हैं। तो 64 और 10 74 टायर हैं इसमें टोटल, देख लो भाई। और ये टोबार जैसे पीछे लगा है एक वहाँ पे, वैसे ही टोबर यहाँ पे भी है ताकि इसको पुल कर सके। और ये भाई मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे, बॉम्बे मेट्रो का, ये देख सकते हो आप, ये मेट्रो के ब्रिजेस हैं। तो बीच में जो सेगमेंट लगते हैं तो देख रहे हो वहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये ही सेगमेंट ये है। जैसा कि पहले वीडियो में देखा था इसमें भी आइसर का ही घोड़ा लगा हुआ है, प्राइम मूवर जिसको बोलते हैं। तो यार आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और वीडियो ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।